मैं इकराम वारिस अमर उजाला परिवार की तरफ से आप सभी का बंदक अभिनंदन करता हूं। और ये जो आपकी आवाज अभी खामोश है, आपको गुस्सा आना चाहिए। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। जिस दौर में जीना है तो टुकड़ा मचा दो। आप लोग थोड़ा उत्साह दिखना चाहिए। अखबार पढ़ने से ना एक तो नॉलेज घटती है, ऊपर से आप देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसके बारे में जानते हैं। दूसरा इंटरनेशनल मतलब बाहर की विदेशों के बारे में, स्पोर्ट्स की, हर चीज की, स्वास्थ्य सब अखबार में आता है। एक रुपये नाम की अखबार में आती है जो एक हफ्ते में एक दिन आते हैं। उससे ग्रहणियों को भी फायदा होता है। इसमें बताते हैं कि इससे मतलब खाने के तरीके बताते हैं, उससे किससे क्या मिलता है ये बताते हैं। अखबार एक ऐसी है जो प्रॉपर एक बुक है, उसमें सारा ज्ञान है। अखबार एक प्रॉपर बुक कह सकते हैं, कह मतलब उसमें सब तरह का ज्ञान होता है। आप क्या देख रहे हो, क्या आप न्यूज़ देखते हो, उसमें भी अखबार से ही रिलेटेड होता है। अखबार भी एक टाइप की न्यूज़ ही है। आप फोन में देखना पसंद करते हो, लेकिन अखबार पढ़ने से आपकी एक तो हिंदी सुधरती है। आप हिंदी का पढ़ रहे हो हिंदी सुधरेगी, इंग्लिश का पढ़ रहे हो इंग्लिश सुधरेगी। आप बहुत बढ़िया, ताली बजाओ आपके लिए। और सबका पढ़ने की और अखबार पढ़ने से इसमें कोई दो राय नहीं कि आपका ज्ञान बढ़ता है, आपका सामान्य ज्ञान बढ़ता है। आपके देश में, आपके विदेश में, आपकी राजनीति में, आपकी अर्थव्यवस्था में, आपकी संस्कृति में क्या हो रहा है, पल पल क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, उससे अखबार आपको रूबरू कराते हैं। तो ये आप ध्यान रखें कि हम कक्षा 8 से लेकर अगर ग्रेजुएशन तक, या अगर हम किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लगातार अखबार पढ़ रहे हैं, तो आपको, क्योंकि आज की तारीख में अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, चाहे सिविल सेवा परीक्षा में बैठें, बैंकिंग में जाएं या दूसरे सेक्टर में जाएं, तो वहाँ सामान्य ज्ञान के सवालों से आपका सामना हर हाल में होता है। और वो सामान्य ज्ञान आपका कैसे बढ़ता है, अगर आप नियमित रूप से अखबार पढ़ेंगे और आप अखबार डेली पढ़ रहे हैं, तो आप उन परीक्षाओं में पूछे गए सवालों का बड़ी ही सहजता के साथ जवाब दे सकते हैं। आप कहीं फंसेंगे नहीं, आप कहीं अटकेंगे नहीं, क्योंकि कोई भी परीक्षा हो, उस परीक्षा में 20-30% सवाल सामान्य ज्ञान के होते हैं। तो वो सामान्य ज्ञान कहाँ मिलता है, वो सामान्य ज्ञान वही होता है, वही बनाए जाते हैं प्रश्न उसमें, कि जो आपके आसपास हो रहा होता है, चाहे वो देश में हो चाहे वो विदेश में हो। तो आप हर दिन 5 से 10 मिनट, हम ये नहीं कह रहे कि आप कोर्स की किताबों को छोड़ दीजिए, कोर्स की किताब बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप 5 से 10 मिनट अगर रोज अखबार के लिए दे देते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आपका सामान्य ज्ञान काफ़ी बृहद हो जाएगा, काफ़ी मजबूत हो जाएगा। आप हर परिचर्चा में हिस्सा ले सकते हैं, आप हर सवाल का जवाब जान सकते हैं। अखबार आपने जैसे बताया कि आपके यहाँ अखबार कम आता है, जिनके भी आता है, अगर आप समय नहीं दे पा रहे, बच्चे छोटे हैं, तो आप अपने मम्मी पापा से कहें कि हमें आज के अखबार की हेडलाइन पढ़ के सुना दीजिए कि आज अखबार में क्या है। विद्यालयों में भी कहूँगा कि विद्यालयों में कम से कम इतना जरूर होना चाहिए कि सुबह की प्रेयर में 2 मिनट या 3 मिनट विद्यालय की तरफ से अगर बच्चों को जो अखबार की सुर्खियां हैं, जो प्रमुख खबरें हैं, उनको बोलकर बता दिया जाए, तो उससे भी बच्चे काफ़ी अपडेट हो जाते हैं, उनका सामान्य ज्ञान खुद बढ़ जाता है। जब हमने जो टॉपर हैं, चाहे वो PCS के टॉपर रहे हों, चाहे सिविल सेवा के परीक्षा के टॉपर रहे हों, उनसे भी जब हमने इंटरव्यू किए थे, तो उन सभी का ये कहना होता है कि हमने अखबारों से ही नोट्स बनाए थे, हम अखबारों के माध्यम से ही पढ़े थे। तो अब सिविल सेवा परीक्षा जो सर्वोच्च परीक्षा मानी जाती है, वहाँ के टॉपर जब ये कह रहे हैं कि हमें अखबार जरूर पढ़ना चाहिए, अखबार से हमारा सामान्य ज्ञान बढ़ता है, तो आप लोगों को 5 से 10 मिनट रोज निकालकर अखबार जरूर पढ़ना चाहिए। कितने बच्चे हैं जो अखबार पढ़ेंगे, हाथ उठाकर बताइए, बाकी नहीं पढ़ेंगे पीछे वाले, सब पढ़ लेंगे, सबको पढ़ना चाहिए। विद्यालय में पढ़िए, अपनी लाइब्रेरी में पढ़िए, अपने घर में पढ़िए, समय निकाल कर पढ़िए, लेकिन अखबार जरूर पढ़िए, क्योंकि ये अखबार आपको मजबूत बनाएगा, आपके शब्दकोश को बढ़ाएगा, आपके पढ़ने की क्षमता को बढ़ाएगा, आपके अंदर संस्कार लाएगा, आपके अंदर जो रीडर हैबिटी है, जो हैबिट है, वो उसको पैदा करेगा। तो आपसे यही निवेदन है कि अखबार जरूर पढ़िए और थोड़ा समय निकालिए, लेकिन पढ़ते रहिए, अच्छी चीज़ों को, अच्छे किताबों को, अच्छे अखबारों से दोस्ती करेंगे, तो आपका बहुत मनोबल बढ़ेगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा।
अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति योजना के बारे में बताने आए हैं हम आपको, जो 9 से 10 50,000 रुपए और 11 से 12 तक 75,000 रुपए का स्कॉलरशिप अमर उजाला फाउंडेशन की तरफ से आप लोगों को दी जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको आवेदन करना होगा। अब आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है ये 15 सितंबर है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।